नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समय पर होंगे, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा देर से होंगे या तीन चार पांच महीने की देरी होगी, इसको लेकर सस्पेंस गहरा गया है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, उनका कहना है कि अगले हफ्ते उनकी टीम उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी, उसके बाद चीजों का जायजा लेगी और उसके बाद किसी फैसले पर पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। लेकिन चुनाव टले तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं टलेंगे, चुनाव टले तो पंजाब में भी टलेंगे, उत्तराखंड में भी टलेंगे, मणिपुर में भी टलेंगे और गोवा में भी टलेंगे। पांच राज्यों में चार में बीजेपी है और एक में कांग्रेस है। तो कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को फैसला लेने में थोड़ी आसानी हो सकती है क्योंकि चार राज्यों में बीजेपी है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर चुनाव आयोग टालने का फैसला करता है तो उसके पास क्या विकल्प है, तीन क्या चीजें भारत सरकार या चुनाव आयोग या दोनों के पास मिलकर विकल्प हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले इसका मूल आधार ओमिक्रॉन, अगर ओमिक्रॉन फैलता है तो यह नौबत आएगी, अगर ओमिक्रॉन नहीं फैलता है या बहुत सीमित रहता है तो चुनाव समय पर होंगे। पिछली बार देखिए, पांच साल पहले हुआ क्या था कि 4 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई थी, आचार संहिता लागू की गई थी, 4 फरवरी से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 4 फरवरी से लेकर ये सिलसिला 8 मार्च तक गया था, 11 मार्च को गिनती हुई थी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में विधानसभा आहूत की गई थी, मुख्यमंत्री तय हुए थे और जगह ये अप्रैल में ही हो गया था और जहां तक मार्च के एंड में करीब करीब हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मई के मध्य तक गया था। तो इतना लीवे चुनाव आयोग के पास है, एक चीज। दूसरी चीज ये है, तीन विकल्प तो क्या हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग को ये अख्तियार है कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, जिस दिन से वो डिसॉल्व हो रही है असेंबली, उसके 6 महीने पहले, 6 महीने बाद, यानी कुल मिला के 6 महीने के अंतराल में वो करा सकता है अपरिहार्य स्थितियों को देखते हुए। ऐसे में तीन चीजें हैं, एक राष्ट्रपति शासन लागू हो, दो जो सरकार वहां काम कर रही है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करती रहे। वैसे भी जब आचार संहिता लागू होती है तो फिर चुनाव आयोग के हिसाब से वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है, जो चुनाव के नतीजे आने के बाद और विधानसभा के गठन होने तक कायम रहती है, मुख्यमंत्री के पद शपथ ग्रहण लेने तक कायम रहती है। तीसरा एक विकल्प है कि मोदी सरकार को संसद के अंदर एक बिल लाना पड़ेगा, संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी ताकि इन पांच राज्यों के विधानसभा का जो मियाद है, जो किसी की मार्च में, किसी की मई में खत्म हो रही है, अप्रैल में खत्म हो रही है, उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। तो यही सरकार कंटिन्यू करेगी, जो जो जहां मुख्यमंत्री हैं, चेन्नई पंजाब में कंटिन्यू करेंगे, धामी उत्तराखंड में कंटिन्यू करेंगे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू करेंगे जब तक कि चुनाव नहीं होता। तो ये तीन चीजें हैं। अब इसमें से सब कुछ डिपेंड करेगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ओमिक्रॉन पर। अब एक कहानी और भी हो सकती है। देखिए, IIT कानपुर के लोग कह रहे हैं कि 14-15 दिसंबर से ओमिक्रॉन मरीजों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो बात सही है। आज की तारीख में 450 केस हो चुके हैं, कुछ दिन पहले 200-250 केस थे। तो WHO जो कह रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन केस की संख्या दुगनी हो रही है, तो हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ऐसा मोटा मोटा मंजर सामने आ रहा है। IIT कानपुर का कहना है कि 3 फरवरी के आसपास ये पीक पर होगा और उसके बाद नीचे उतरना शुरू होगा। अब पीक कितने पर आती है ये इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब देखिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव कई चरण में हुआ था, 4-5 चरण से ज्यादा में हुआ था इस, और बाकी जगह एक ही दिन हो गया था। तो बाकी जगह तो एक ही दिन चुनाव नहीं पड़ जाएगा। मान लीजिए 4 जनवरी को घोषणा नहीं करता आचार संहिता की, मान लीजिए कि 5 फरवरी या 10 फरवरी को भी चुनाव आयोग घोषणा करता है, 10 फरवरी को भी अधिसूचना जारी करता है और आचार संहिता लागू करता है, तो पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है और गोवा है, 1 महीने का समय चुनाव आयोग देता है। 10 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई और आचार संहिता लागू हुई तो 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे।
10 मार्च को चुनाव हो जाएगा और चारों राज्यों में एक ही दिन में एक ही वक्त में संपन्न हो जाएगा। 12 या 13 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। पिछली बार आए थे 11 मार्च को, इस बार 12-13 मार्च को आ जाएंगे और फिर सरकार का गठन हो ही जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन अतिरिक्त मिलते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव साथ नहीं कराने हैं, वैसे तो सब जगह साथ ही होने चाहिए कायदे से, अगर ओमिक्रोन फैल रहा है, फैलता है और उस समय फैलता है तो पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और गोवा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के हिसाब से फैलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका असर ज़्यादा हो सकता है। तो 10 फरवरी की जगह अगर 1 मार्च को भी घोषणा जारी होती है चुनाव की, तो एक चरण में, क्योंकि और किसी देश में, किसी राज्य में चुनाव नहीं हो रहा होगा, तो 403 सीटों पर एक ही चरण में भी चुनाव हो सकता है या 2 चरण में हो सकता है। अगर 1 मार्च को जारी हुई तो 31 मार्च को पहला चरण, 3 अप्रैल को मान लीजिए दूसरा चरण, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को नतीजे, तो भी एक गुंजाइश बचती है, एक विंडो बचती है। क्या ऐसा होगा ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो इसमें कई सारे किंतु, परंतु, अगर, मगर हैं और ये सब कुछ डिपेंड करते हैं ओमिक्रॉन पर। अब ये एक बहस अलग चल रही है कि चुनाव अगर टले और 6 महीने टले तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, छवि बिगड़ेगी, सुधरेगी, मौका मिल जाएगा बीजेपी को अपना घर सुधारने का, राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो योगी का शासन नहीं होगा, मोदी का परोक्ष रूप से शासन होगा और वो केंद्र की घोषणाएं, केंद्र की योजनाओं को पैसा और डालना शुरू करेंगे ताकि जनता के विश्वास को जीता जा सके। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को थोड़ा और मौका मिल जाएगा अपने आप को नए सिरे से गठित संगठित करने का, कांग्रेस से कोई समझौता करने का कोई सूरत निकलती है या नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई समझौते की सूरत निकलती है, निकलती तो बहुत सारे परम्यूटेशन और कम्बिनेशंस की बात यहाँ हो रही है। मोटे तौर पर कहा जा रहा है, कुछ जानकारों का कहना है कि बीजेपी को चुनाव टलने का फायदा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव टलने का फायदा नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर जगत में भी नुकसान होगा मोदी सरकार को अपनी छवि का, कि देखिए ओमिक्रॉन पर काबू नहीं कर पाए, चुनाव तक टालना पड़ गया और मजबूत सरकार, ये वाली जो छवि है। ये जानकार कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो मैं अलग अलग चैनलों पर देख रहा हूँ, जो बहस के लिए बैठते हैं पॉलिटिकल पंडित, वो लोग कह रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है, नए सिरे से हम कह दें, ओमिक्रॉन पर और चुनाव आयोग पर। अगले हफ्ते चुनाव आयोग का दौरा है और उसके बाद चीजें हो सकता है कुछ साफ हों, लेकिन इतना तय है कि अगर चुनाव वक्त पर भी होते हैं और ओमिक्रॉन का हल्का फुल्का प्रभाव बना ही रहेगा, ये तो स्वाभाविक है, तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शन जरूर जारी कर सकता है। रैलियों पर, रोड शो पर रोक भी लग सकती है, वर्चुअल रैलियों पर बढ़ावा मिल सकता है। आखिर इस देश में 83 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस विकल्प को एक्सप्लोर क्यों नहीं करती है, ये मौका मिलेगा इस विकल्प को एक्सप्लोर करने का। रोड शो बैन हो सकते हैं, संभाग वाइज रैली हो सकती है, रैलियों की संख्या सीमित की जा सकती है कि कोई एक पार्टी एक संभाग में सिर्फ एक रैली कर सकती है, ऐसी कोई शर्त लग सकती है, और जिनको दोनों डोज टीके के लगे हैं उन्हीं को रैली में घुसने दिया जाएगा। मास्क नहीं जो पहनेगा उस पार्टी का के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा भी स्ट्रिक्ट निर्देश आदेश जारी हो सकते हैं। कुर्सियों के बीच अगर इतनी दूरी नहीं हुई तो उस पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा हो सकता है। क्या चुनाव आयोग जारी कर सकता है ऐसे, अगर सेफ इलेक्शन, जिसकी बात मुख्य चुनाव आयुक्त गोवा में कर रहे थे, तो क्या ये सारी चीज़ें संभव है। ये सब कुछ मैं फिर कह रहा हूँ डिपेंड करेगा कि ओमिक्रॉन कितने खतरनाक रूप में हमारे सामने आता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।